गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है और मैं एनजी प्लस टू हाई स्कूल पथरगामा में वोकेशनल ट्रेनर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो पार्ट होता है जो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। एक माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सिंगल चिप कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी मॉस से बने हुए होते हैं। आजकल जो माइक्रो प्रोसेसर आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी सीमॉस से बने हुए होते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था, जिसका नाम था 4004, जो कि केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकता था और वो भी केवल 4 बिट पे। आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर ने आगे चल के हमारे पास यहाँ पर इंटेल कंपनी ने अपने माइक्रो प्रोसेसर को काफ़ी बढ़ाया है और अभी हमारे पास जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो एक बार में 128 बिट पे काम कर सकते हैं और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पर काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन सेट। वे इंस्ट्रक्शन के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मूव करना, स्टोर करना, जंप करना, ये सारे उसके इंस्ट्रक्शंस हो गए। अगला आता है हमारे पास वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास जो वर्ड लेंथ आते हैं ये किसी इंस्ट्रक्शन के कितने साइज होंगे ये इसके लिए डिपेंड करता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन कितने साइज का होगा, यही हमारा वर्ड लेंथ कहलाता है। प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में हम लोग फॉर एग्जांपल रजिस्टर हमारे पास 8 बिट का डेटा ले सकता है, हमारा रजिस्टर 16 बिट का डेटा ले सकता है या 32 बिट का। अभी जो रजिस्टर है वो हमारे पास 64 बिट के रजिस्टर हैं तो वो 64 बिट उनका वर्ड लेंथ हो गया। वर्ड लेंथ के बाद हमारे पास अगला जो आता है आपका वो कहलाता है सिस्टम क्लॉक स्पीड। ठीक है, सिस्टम क्लॉक स्पीड कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास हमारा माइक्रो प्रोसेसर पर सेकेंड कितने डेटा को हैंडल कर सकता है यानी कितना इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकता है। ये माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल क्लॉक स्पीड के कारण होता है और वो क्लॉक स्पीड हमारे पास पहले मेगाहर्ट्ज में होते थे, अब वो गीगाहर्ट्ज में आते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर दो तरीके के आते हैं। पहला कहलाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दूसरा होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो पहले आते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के बारे में। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बल्कि सिंपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कारण कि इनके जो कंट्रोल यूनिट होते हैं वो हार्डवायर्ड होते हैं, जिसके कारण से रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से कहलाते हैं। यानी काफ़ी सिंपल इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट होंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस केस में हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर के जो साइज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आमतौर पे 32 से 36 रजिस्टर्स इसमें होते हैं। हमारे मोबाइल में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं जो कि आर्म बेस्ड प्रोसेसर कहलाते हैं, ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है ये हमारा आपका ये वैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कि वेरिएबल लेंथ के इंस्ट्रक्शन या तो फिर हम कहें कि इसमें इंस्ट्रक्शन का साइज कुछ भी हो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन के साइज जो हैं वो फिक्स होते हैं 64 बिट। ठीक, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। रीजन ये होते हैं कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के कंप्यूटर्स में जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो सिंगल क्लॉक पर एग्जीक्यूट कर जाते हैं और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के कंप्यूटर्स में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मल्टीपल क्लॉक की ज़रूरत होती है, यानी वो मल्टीपल क्लॉक टाइम चाहिए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है।
याद रखेंगे, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी रिस्क कंप्यूटर जो होते हैं वो सिंगल क्लॉक पर उनके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मल्टीपल क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। उन्हें मल्टीपल साइकिल चाहिए, उन्हें दो तीन साइकिल चाहिए मेमोरी से एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि रिड्यूस में सारे कुछ सिंगल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में नंबर ऑफ कोर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रजिस्टर यहाँ पर होते तो होंगे, ठीक, लेकिन यूजर विजिबल रजिस्टर यहाँ पर काफ़ी कम होते हैं, यानी जिसको कि एक प्रोग्रामर यूटिलाइज कर सके। सिस्टम के लिए रिजर्व रजिस्टर्स होते हैं इसमें भी। हमारे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के जो कंप्यूटर्स में जो माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं सिस्क बेस्ड प्रोसेसर। इंटेल कंपनी का पेंटियम सीरीज या आइटानियम सीरीज जो आता है, i3 i4, ठीक, और सर्वर में लगने वाले जो पीसी होते हैं यानी जो आपके आर्किटेक्चर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास आपका सिस्क बेस्ड। अगला आता है इपिक सीरीज। इपिक सीरीज स्पेशली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि रिस्क और सिस्क दोनों के आर्किटेक्चर से बेस्ट फीचर को कंबाइन करके बनाए गए हैं। इपिक सीरीज के प्रोसेसर IA64 इंटेल आर्किटेक्चर 64 कहलाते हैं, जो कि इंटेल ने फर्स्ट जो है सो बनाया था, ठीक है। ये इपिक सीरीज के प्रोसेसर जो है वो जेनन प्रोसेसर के नाम से आते हैं, जो हमारे पास सर्वर पीसी में लगते हैं, इनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई होती है। अगला आते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में। हमारे मेमोरी में जो सबसे कम का जो स्पेस होता है यानी जो सब मेमोरी का जो पहला जो चीज़ होता है वो होता है बिट, यानी या तो जीरो या फिर वन, ये एक बिट है, एक वन भी एक बिट है और जीरो भी एक बिट है। हम डेटा को बाइनरी में रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हमें मेमोरी स्टोरेज चाहिए, चाहे वो कैलकुलेशन करते समय हो या परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं। अब 4 बिट का एक समूह जो है वो निबल कहलाता है, 4 बिट का कलेक्शन निबल कहलाएगा, 8 बिट का कलेक्शन जो है वो बाइट कहलाता है, ठीक है। जब हम आते हैं बाइट, तो बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, फिर हेक्जाबाइट, इसके बाद आता है आपका जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं किलोबाइट। किलोबाइट का मतलब होता है 2 to the power 10, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10024, एक्यूरेटली 10024 आता है, तो हम मान के चलते हैं कि 1000 बाइट जो होता है वो आ जाता है किलोबाइट। मेगाबाइट की बात करें तो मेगाबाइट में हमारे पास आता है आपका 10024 किलोबाइट जो है वो हमारा 1 मेगाबाइट होता है। दस हज़ार चौबीस किलोबाइट हमारे पास जो है वो 1 मेगाबाइट होता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो है 10024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट बोलते हैं, 10024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट बोलते हैं, 10024 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट बोलते हैं, और 10024 पेटाबाइट को 1 एग्जाबाइट बोलते हैं।